भारतीय जनता पार्टी के सर्व भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीरभूम जिले के तारापीठ स्थित सिद्धपीठ माँ तारा के दर्शन के बाद टीएमसी नेत्री सुजाता खां भी बुधवार देर शाम तारापीठ मंदिर पहुंची और माँ तारा की कुंवारी कन्या के रूप में पूजा करने के बाद बीजेपी सांसद सुमित्रा खां की पत्नी व टीएमसी नेत्री सुजाता खां ने मंदिर का शुद्धिकरण करवाया। इस दौरान उनके भाई व युवा तृणमूल कांग्रेस के हुगली जिला के महासचिव कुंतल घोष भी उनके साथ रहे। मंदिर में पूजा पाठ, कुमारी पूजा और शुद्धिकरण, हवन आहुति आदि कार्यक्रम के बाद सुजाता खां ने संवाददाताओं को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सर्व भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से तारापीठ की पवित्र भूमि अपवित्र हो गई। उनकी रथ यात्रा की वजह से तारापीठ की भूमि से राजनीति की बदबू आने लगी। उसे दूर करने के लिए आज मंदिर में कुंवारी पूजा के साथ साथ हवन आहुति देकर शुद्धिकरण कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि माँ तारा से उनकी प्रार्थना रही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बुरी शक्ति से बंगाल को मुक्ति मिले। Come on.
देखिए आज रतन की काली पूजा का बहुत शुभ मुहूर्त है और उस मुहूर्त में हम लोग तारापीठ में महाशासन में आज आए हैं। माँ तारा को पूजा दिया, प्रणाम किया और सबसे बड़ी बात आज माँ तारा को कुमारी रूप में पूजा कर रही हूँ। आज एक 4.5 साल की एक छोटी सी लड़की जिसकी नाम है जन्नवी घोष, मेरी भतीजी है और मेरी भाई जो है कुंतल घोष और मेरी बहन जयश्री घोष की बेटी है, उसको आज हम तारा माँ की रूप में काली कुमारी रूप में पूजा कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं सब काल नाड्डा गड्ढा चाड्डा सब लोग लेके यहाँ पे शुद्धि को अशुद्धि करके चला गया। ये पुण्य भूमि है, यहाँ पे कोई राजनीति का रंग हम लोग लगाना नहीं चाहते है। इस जो पुण्य भूमि में हम खड़े है, यहाँ पे वामदेव वशिष्ठ देव को तारा माँ मिला और यहाँ पे वो लोग साधना में सिद्धि लाभ किया और उस पुण्य भूमि में आके वो लोग दंगा लगाने के लिए रथ यात्रा वगैरह ये सब फ्लॉप शो करके गया और उसमें ये मिट्टी अशुद्ध हो गया। तो हम लोग तृणमूल कांग्रेस परिवार का एक सैनिक होके, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का सैनिक होके हम लोग मांग रहे है की ये भूमि शुद्धि हो जाए और इसमें हम लोग बेलूर मठ के आदर्श लेके, हमारा गुरुदेव का आदर्श लेके हम लोग आज ये मिट्टी को हम लोग शुद्धिकरण के लिए आए हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की मिट्टी अच्छा रहे और यहाँ पे जो लेडीज लोग हैं वो लेडीज लोगों का सुरक्षा मिले और वो सुरक्षा ममता बनर्जी के हाथ से मिल सकता है, इसलिए आपकी बार ममता सरकार आपकी बार 200 पर। के संग तो आपके पति देव भी थे? हाँ, मेरा पति बोलूं या बीजेपी लीडर बोलूं वो पता नहीं, वो भी तो बीजेपी का ही है तो कैसे वो शुद्ध नहीं, वो भी शुद्ध नहीं है, उसको भी शुद्धिकरण चाहिए और उसके लिए भी उसको भी तारा माँ के पास आके शुद्धिकरण करना पड़ेगा।